हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज का जो केक है वो हाइट केक रहेगा। तो और ये जो कस्टमर ऑर्डर किया था हाइट केक 2 kg में, तो चलिए केक के बारे में आप लोग को बताएंगे। और मेरे चैनल में आप लोग नया है तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो आखिरी तक बने रहे और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो ये कस्टमर को लाइट पिंक कलर में चाहिए कलर, तो इसको मैं पहले से मैं मिक्स करके रख लिया था और उसके बाद केक का ऊपर पिंक कलर क्रीम चढ़ा देंगे, जो आप देख सकते हैं मैं क्रीम चढ़ा रहा हूँ केक के ऊपर। तो साइड से मैं इसको बराबर क्रीम लगाएंगे और इसको मैं अच्छे तरीके से साइड से फिनिशिंग करेंगे। और ये जो केक जो है ये हाइट में है, रसमलाई फ्लेवर में है। तो आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहें। तो आप देख सकते हैं मैं केक को मैं अभी क्रीम लगा रहा हूँ, अच्छे से उसको मैं फिनिशिंग करेंगे ऊपर से, जो आप देख सकते हैं मैं ऊपर में फिनिशिंग कर दिया हूँ। और साइड से थोड़ा क्रीम निकाल देंगे जो बाहर आया था केक से, तो उसको मैं एक लेवल करके मैं क्रीम निकाल देंगे, जो आप देख सकते हैं इसमें मैं साइड से मैं नाइफ मार रहा हूँ। तो इसको मैं अच्छे तरीके से उसके बाद मैं इसमें ताज के पत्ता से फिनिशिंग कर देंगे, अच्छे तरीके से साइड से फिनिशिंग कर देंगे जो आप देख सकते हैं। तो हम इसको अच्छे तरीके से बराबर फिनिशिंग करेंगे क्योंकि हाइट केक है तो इधर उधर थोड़ा मतलब हिल रहा है तो मुश्किल हो रहा है इसमें थोड़ा फिनिशिंग करने में, जो आप देख सकते हैं मैं साइड से फिनिशिंग कर रहा हूँ। तो इसको मैं अच्छी तरीके से साइड से फिनिशिंग कर देंगे, जो आप देख सकते हैं। और ये जो क्रीम जो है ऊपर से थोड़ा ऊपर बाहर निकलना चाहिए, दिखना चाहिए था। कस्टमर जो फोटो दिया था उसी तरह का ही मैं बनाया हूँ देख के। तो आप देख सकते हैं क्रीम थोड़ा ऊपर आ गया है और साइड से मैं फिनिशिंग कर दिया हूँ। उसके बाद बेस पे वाइट क्रीम लगा देंगे, जो कस्टमर जो फोटो दिया था वो बेस पे भी क्रीम था वाइट क्रीम, तो मैं भी वाइट क्रीम मार दिया हूँ उसकी तरह। और इसको मैं फिनिशिंग कर देंगे बेस में वाइट क्रीम को, जो आप देख सकते हैं इसको फिनिशिंग कर देंगे अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं इसको मैं फिनिशिंग कर देंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद जो बेस से बाहर क्रीम आया था उसको मैं साइड से निकाल देंगे, जो आप देख सकते हैं साइड से निकाल दिया हूँ मैं क्रीम, मैं इसको निकाल दिया हूँ अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं ग्रीन फोंडन लिया था और उसका पत्ता बनाया हूँ मैं, तो इसका पत्ता मैं साइड में एक एक करके बिठा देंगे। और इसमें फोंडन का है, इसमें फोंडन का भी ऐड करना है खरगोश। तो आप लोग आपको बताएंगे अभी कैसा खरगोश बनाया, तो आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहें। पहले साइड से मैं पत्ता लगा देंगे ग्रीन कलर का, आप जो देख सकते हैं मैं साइड से नीचे में फोंडन का मैं पत्ता लगा रहा हूँ। तो इसको पहले साइड से फोंडन का पत्ता लगा देंगे, जो आप देख सकते हैं एक एक करके मैं बिठा देंगे। जो फोटो है उसी तरह का ही मतलब ऐसे ही डिजाइन का दिया है तो उसी तरह ही बनाएंगे, जो आप देख सकते हैं साइड से एक एक करके मैं बिठा रहा हूँ पत्ता, ग्रीन कलर का पत्ता मैं बिठा रहा हूँ जो आप देख सकते हैं। और इसमें एक नंबर कस्टमर को चाहिए था तो एक नंबर का मैं केक के ऊपर बिठा देंगे। और आप देख सकते हैं मैं खरगोश फोंडन का बनाया था कैरेक्टर, तो केक के ऊपर बिठा देंगे एक करके। और बलून्स बनाए थे फोंडन का, दो पिंक कलर का बलून बनाए उसमें केक के ऊपर बिठा देंगे, और एक बिठा दिया, तीन मतलब केक के ऊपर बिठा दिया हूँ। और खरगोश को हाथ बिठा देंगे, जो बलून्स को पकड़ा हुआ था उस तरह का मैं इसमें बिठा देंगे, जो आप देख सकते हैं मैं बिठा दिया ये देखिए। और ये मेरा केक तैयार हो गया है, बहुत ही सिंपल है, मतलब कस्टमर को काफ़ी पसंद आया है। तो आपको ये केक कैसा बना है कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक है।